सफ़र का लंबा होना उतना ज़रूरी नहीं है, सफ़र का अच्छा होना ज़्यादा मायने रखता है। तो सुबह की वॉक में बहुत सारे विचार हमारे दिमाग में चलते रहते हैं और सोचते सोचते कब सफ़र ख़त्म हो जाता पता ही नहीं चलता है। तो घर वापस आके मन हुआ कि कुछ चाय पकौड़ा बनाते हैं, क्योंकि वॉक करके आए तो एनर्जी भी लूज़ हो जाती है, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि हाँ पकौड़े डाइजेस्ट हो जाएंगे। तो एक चीज़ तो है, खाना बनाते समय आप जितना पॉजिटिव मूड से खाना बनाओगे लोगों की सेहत पे उतना ही अच्छा असर देगा। विंटर्स में एक चीज़ तो है, सब्ज़ियों के ऑप्शंस बहुत होते हैं, आप चाहे सब्ज़ी बनाओ चाहे पकोड़े बनाओ, तो उसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं। तो मैं पालक के पकोड़े बना रही थी, तो पालक में थोड़े से प्याज भी डाल दिए क्योंकि अच्छे लगते हैं प्याज, और चावल का आटा नहीं था तो कोई बात नहीं, ठीक है स्किप हो गया, लेकिन पालक के पकौड़े अपने में ही बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। मेरी कढ़ाई बहुत ही छोटी थी तो मैंने इसमें ज़्यादा कैपेसिटी ही नहीं थी कि इसमें बहुत सारे पकौड़े एक साथ तलें, तो थोड़े थोड़े करके मेरे 4 या 5 पकौड़े एक बार में ही आ रहे थे, तो इससे ज़्यादा इसमें था ही नहीं। तो क्योंकि अगर आप ज़्यादा बड़ी कढ़ाई लेते हो तो उसमें एक साथ ज़्यादा कर सकते हो, और पकौड़े हो और चाय का मज़ा ना हो तो ऐसा होता ही नहीं है। नाश्ता ख़त्म करते ही रोहन मेरे पास आ गया था क्योंकि आज उसको थोड़ा फीवर भी था। तो आजकल बच्चों में एक चीज़ बड़ी है कि ये लोग तेल ही नहीं लगाते हैं, और हम लोग जो बचपन में थे बिना तेल के हमारे बाल होते ही नहीं थे, जैसे ही नहाए धोया बाल धोए वैसे ही हम लोग तेल लगा लेते थे। तो मैं इसको बोल रही थी कि भाई थोड़ा सा तेल वेल लगाया करो बालों में, क्योंकि वही है ना, रूसी वूसी हो जाती है और ये फिर कहीं ना कहीं आपके बालों को डैमेज भी करते हैं। अच्छा लग रहा है, वॉक पे ना हर तरह के लोग आते हैं, खुले में एक वॉक करना, आपको बोलता हूँ वॉक कर जाया करो। मतलब एक जिम में एक बंद जगह में करना और खुले में करने में ना बहुत अंतर आता है, नहीं तुम्हें क्या लगता है? मैंने दोनों ही किया कभी। नहीं खुले, पता है मैंने जैसे देखा ना जिम में एकदम एकदम बंधा बंधा सा लगता है, और आप जब खुले में वॉक करते हो तो एक मजा आता है, मतलब एक फ्रेशनेस लगती है। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। नहीं जिम में क्या है, एटमॉस्फेयर पूरा बंद और नेगेटिविटी भी होती है, खुले में अच्छा लगता है, आई फील बेटर, पर्सनली आई फील बेटर। वही तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। ठीक है। अच्छा ये देखो कितना रिलीफ हो गया ना, एक ऑथराइज्ड बंदा आके काम कर जाए, है ना, तो ये तो रहता है कि हमें एक सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ चीज ठीक हो गई। नहीं उन्होंने ही पहले बोला था कि कर लो आप 3 पिन सेट पहले। पर देखो इतना कितनी टेक्निकल चीज थी कि अर्थिंग यहाँ पे ज्यादा आती है ना, मैं पहली बार लाइफ में सुनी, तो पता था कि अर्थिंग 3 to 10 होनी चाहिए, और हमारे उसमें कितनी आ रही थी, 70। 70, मतलब लिमिट हो गई ना, कितने टाइम्स ज्यादा, 3 और 70। जब बच्चे बीमार होते हैं तो लगता है वही बनाओ जो उन्हें पसंद है, क्योंकि आप ज़बरदस्ती उनको बोलोगे कि ये खाओ ये अच्छा होता है ये नहीं अच्छा होता है, और मुंह बना के नाक सिकोड़ के वो खाना खाएं, तो इससे अच्छा होता है कि जो वो खाते हैं उसी को हेल्दी वे में बना दो। तो मैं सोच रही थी कि उसको बर्गर बहुत पसंद है, तो मैं बर्गर की टिक्कियों पे मैंने मोज़रेला चीज़ स्प्रेड किया और उसे कवर कर दिया, जिससे कि चीज़ बहुत अच्छे से मेल्ट हो गया। तो रोहन को बहुत ज़्यादा वेजीज पसंद नहीं है बर्गर में, तो मैंने बस सैलेड लीफ डाली थी और टिक्की और थोड़ा मेयोनीज और सॉस इसके साथ ही बना दिया और चाय बना दी, और वो बड़े खुश होके खाता है इन चीज़ों को। मिट्टी के हॉस्टल जाने के बाद ये काफ़ी अकेला हो गया, तो और सबसे बड़ा मेरा प्रॉब्लम क्या रहता है कि ये बहुत कभी खुल के बोलता नहीं कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना, तो सारा ब्रेन मुझे ही लगाना पड़ता है कि भाई इसके लिए क्या बनाऊँ तो ये खुश हो जाए। तो अब बस ये कि बहुत शांत बच्चा है, शांत बच्चों को समझ पाना बहुत मुश्किल होता हाँ, है। हर बात का जवाब देना जरूरी है। हाँ फिर और क्या हुआ, क्यों? मैं आज मार्केट गई थी और मार्केट से मैं 2 टॉफ़ी के पैकेट्स लेके आई थी, एक काला खट्टा और एक कच्चा आम। बचपन में मैंने बहुत खाया है और कहीं पे भी मुझे मिल जाता है तो मैं लाती ज़रूर हूँ, क्योंकि मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद है।
और देखते देखते अब ये पूजा का टाइम हो गया, फटाफट बस पूजा करने के बाद मैंने ये हुआ कि अब डिनर है। और ये 2-3 दिन का व्लॉग है जो मैं अब इसमें मैं दे रही हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला कुछ भी शूट करने का या कुछ भी करने का। बच्चा घर में अगर बीमार होता है ना तो आप ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते हो, और इस व्लॉग में मेरा कुकिंग 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 ही दिख रहा है। तो ये आज सुबह का व्लॉग है, और इसमें मैंने आज उसके लिए आलू और साबूदाने की खिचड़ी बनाई थी। तो बस यही है कि लगता है कि वो खुश हो के खा ले, वही बनाओ। और तो इसमें मैंने जीरा डाला और हरी मिर्च डाली थी, और ये आलू अच्छे से फ्राई कर दिए। उसके बाद इस साइड में मैं उसके लिए पनीर थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ कि उसे मतलब पसंद है तो खुश हो के खा लेगा उसे। तो बस देखते हैं थोड़ा, और उसे सॉफ्ट पनीर पसंद है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं खाता है वो। और एक तरफ साबूदाने की खिचड़ी और एक तरफ पनीर और साथ में चाय, तो मज़ा भी आता है कुकिंग करते हुए। खैर ये मुझे भी बहुत पसंद है, क्योंकि जब घर में सभी का व्रत होता था बचपन में तो ये ज़रूर बनता था हमारे यहाँ व्रत वाले आलू और साबूदाने की खिचड़ी। तो बस मैंने थोड़ी रोहन की प्लेट तैयार कर दी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आज रोहन को बीमार हुए, 2-3 दिन हो गए हैं और उसे फीवर है। बस फीवर तो वही है कि टाइम तो लेता ही है, तो मैं भी थोड़ा उसमें बिजी हो गई थी कि उसको देखना पड़ता ही है बच्चों को, और उसका बोर्ड्स भी है। तो बस रोहन का मनपसंद आज नाश्ता बनाया है मैंने, देखते हैं उसका रिएक्शन कैसा रहता है। हेलो, स्ट्रॉबेरी मुझे नहीं पसंद यार बिल्कुल। आपको पसंद है स्ट्रॉबेरी? हाँ, मुझे स्ट्रॉबेरी तो मेरी फेवरेट फ्रूट में आती है। मुझे नहीं पसंद, ऐसा लगता है स्ट्रॉबेरी को देख के कि वो दिखती बेटर है बट टेस्ट बहुत वर्स करती है दिखने के कंपैरिजन में। डिपेंड करता है कि तुम टेस्ट कौन सा पसंद करते हो इसका। मुझे नहीं, पता है मैं इसका, ये कह रहा हूँ कि जैसी दिखती है नहीं उससे नहीं गंदा इसका टेस्ट है जो इसका। अच्छा टेस्ट है वो पता है क्या है? खट्टा मीठा होता है जो। मुझे नहीं पसंद, क्या सोच रहे हो रोहन? यही कि चाय साबूदाने की खिचड़ी के साथ स्ट्रॉबेरी कौन देता है? तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ भूल रहे हो? मैंने कुछ और भी दिया था तुम्हें। पनीर हाँ, वो स्ट्रॉबेरी अब वो थोड़ा लुक के लिए दिया था मैंने कि अच्छा लग रहा था देखने में। बस और क्या, तो खा लेना चाहिए था कम से कम, कुछ तो रेस्पेक्ट करते मम्मी की मुझे उसकी। पसंद नहीं यार स्ट्रॉबेरी। पर मुझे अच्छी है, तुमने एक भी नहीं खाई देखो। हाँ आप खा लो मेरा तो फेवरेट है यार, है ना? खा लो ना, कम से कम ट्राई तो करना था। तो बोल रहे हो पता है तुम, अब मुझे पसंद नहीं है भैया। अगर तुम्हारी तो तबीयत थोड़ी ठीक लग रही है तो तुम पढ़ना, नहीं तो फिर तुम रेस्ट ले लो, ठीक है? तुमने देखा रोहन, जब हम लोग बोलते हैं ना तब ये दोनों भी बोलते हैं, है ना? अभी मैंने देख, नोटिस नहीं किया कोई। क्यों, अभी मैं तुमसे बात कर रही थी ना तो अपने पूरी इम्पोर्टेंस दे, तो अभी जैसे ही मैं बात करने लगती हूँ वैसे ही इनका चालू हो जाता है। इसको अपना ओपिनियन भी एक्सप्रेस करना है भाई। हाँ, मुझे लगता है हर एक इंसान के लिए सेल्फ पैम्परिंग बहुत जरूरी है। तो मैं जब बहुत परेशान होती हूँ या कुछ थोड़ा माइंड अपसेट होता है तो मैं अपने लिए कुछ ना कुछ ऑनलाइन शॉपिंग जरूर करती हूँ। और एक ऑर्डर मैंने मंगाया था जो थोड़ा टाइम लगा इसको आने में, तो मैं दिखाती हूँ मैंने क्या मंगाया था। फ्रेंड्स, मैंने ये शूज मंगाए थे ऑनलाइन। आपको लगेगा कि व्हाइट कलर क्यों मंगाया, लेकिन व्हाइट कलर एक ऐसा कलर है जो सब पे जल जाता है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और जब मैं बहुत परेशान होती हूँ तो मैं अपने लिए कोई ना कोई शॉपिंग जरूर करती हूँ। तो आप बताना ये शूज कैसे लगे, और ये प्यूमा के शूज हैं, ठीक है? आप लोग जरूर बताइएगा कैसे लगे। बस मैं अपने व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।